नमस्ते जी, आप सभी का अपना मुकाम चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देती है। तो एक फ़कीर था, वो नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति उधर से गुजरा तो उसने बोला कि यार बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? फ़कीर ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो नदी है इसका पानी बह जाए और मैं नदी को पार करूँ। तो व्यक्ति ने बोला, बाबा ऐसा कभी होता है? आप इस नदी के इंतजार में तो कभी नदी को पार कर ही नहीं पाएंगे। तो फकीर ने कहा, तो यही सीख तो मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि आप हमेशा यही कहते हो कि हमारी सब जिम्मेवारियाँ पूरी हो जाए तो हम घूमें, मौज करें या किसी से मिले या सेवा करें, लेकिन ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी, जैसे नदी का जल कभी ख़त्म नहीं होगा। इससे हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा पर हमारी जिम्मेवारी कभी ख़त्म। इस प्रकार दोस्तों, नदी का जल कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको पार करने के लिए रास्ता हमें समय बनाना होगा। जिस प्रकार जीवन है वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन जिम्मेवारियां कभी ख़त्म नहीं होगी। ये लाइन तो आपने सुनी होगी दोस्तों, ये हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो आप उसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।